हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेगा टेकवर्स। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की, जिसका नाम थोड़ा सा अजीब है, बंसन लैब्स लिनक्स इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। थोड़ा प्रोनाउंसिंग में दिक्कत हो गई होगी, तो देख लेना अपने हिसाब से। बाकी डाउनलोड लिंक और मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाके चेक कर लेना और सीधा डाउनलोड कर लेना, ठीक है, अगर आप यूज़ करना चाहते तो। बिल्कुल लाइट वेट लिनक्स है, जैसा कि मैं एंड में बताऊंगा आपको क्या क्या चीज़ें इसमें बेनिफिशियल हैं। डेबियन बेस्ड है तो इतनी ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं आपको। बाकी थोड़ी सी अगर लाइट वेट है तो मैं मान सकते हो कि थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा अरेंजमेंट किया गया है इसके। तो यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर लेते हैं, लिखा हुआ है डाउनलोड 64 बिट, तो यहाँ से हमने पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है और वर्चुअल बॉक्स हमने इंस्टॉल किया हुआ है। अगर वर्चुअल बॉक्स में कोई भी इश्यूज आता है तो मेरे को ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अब यहाँ से वर्चुअल बॉक्स सेटअप करते हैं अपने जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए। ये देखिए, यहाँ से लिखते ही आपको सीधा, या लोकेशन चेंज करनी है तो लोकेशन चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से जाके अदर पे जाके आप ISO फाइल जो भी हमने डाउनलोड किया है वो सेलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। अब यहाँ से क्या करना है आपको, सेकंड ऑप्शन पे चले जाना है, ये ऑटोमेटिक से ने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट पे जाना है और स्किप एट रैंडम इंस्टॉलेशन कर देना है, वरना ये डायरेक्ट इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी आपकी। अब यहाँ से 4GB रैम दे देना, वैसे 2GB में भी रन कर जाएगा, कोई इशू नहीं है, मैंने लिया है इसको क्योंकि ईजिली जल्दी इंस्टॉल हो जाए, कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। वैसे 2GB में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, 40GB हार्ड ड्राइव ले लिया। मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन में बता दूंगा आपको क्या क्या लगेगी, जैसा कि मैंने कहा कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मेरे ब्लॉग पे जाके चेक कर लेना। और यहाँ से जाके हम बाय डायरेक्शनल कर देते हैं दोनों चीज़ों को, और यहाँ से सिस्टम में चले जाते हैं, फ्लॉपी हटा देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। और यहाँ से अपने को जाना है डिस्प्ले में 128 MB सेलेक्ट कर लेना है वीडियो मेमोरी को, और यहाँ से हमने ISO फाइल ऑटोमेटिक पहले से ही सेलेक्ट की हुई है। यहाँ से नेटवर्क पे चले जाना है, USB पे 3.0 जो मिनिमम मैक्सिमम होगा सॉरी वो सेलेक्ट कर लेना, 2.0 आ रहा है 2.0 कर लेना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से रन करते हैं, रन करने के बाद सबसे पहले लाइव रन करके देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें फंक्शन दिए। अगर आपको इंस्टॉल नहीं करना है वर्चुअल बॉक्स में, लाइव रन करके देखना है, ओनली चेक करना है, तो लाइव रन करके देख सकते हैं आप। जैसे कि लाइव रन यहाँ पर मैंने कर दिया है, यहाँ पर साफ दिख रहा होगा आपको लाइव रन चल रहा है, तो आप इसमें कोई भी कुछ भी कर सकते हैं, वैसे कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आपको पता ही होगा कि लाइव रन को अगर ऑफ़ करेंगे और दोबारा ऑन करेंगे तो फिर रीस्टार्ट हो जाता है, कोई भी चीज़ें सेव नहीं होती, जो भी आप काम करेंगे या कुछ भी करेंगे तो वो सेव नहीं होगा। बाकी चीज़ें यहाँ से हम चेक कर सकते हैं, सारी चीज़ सारे फंक्शंस जो हैं आपके काम करेंगे, स्मूथली वर्क करेंगे। जैसा कि लाइट वेट लिनक्स है तो मैंने बताया कि आपको स्मूथली रन करेंगे, ये कोई इशू नहीं आएगा। बाकी इसकी स्क्रीन रिजोल्यूशन मैं बता देता हूँ कैसे कैसे चेंज करना है। यहाँ से सेटिंग में गए, सेटिंग में जाने के बाद आपको चले जाना है आउटपुट में वर्चुअल वन लिखा हुआ है, आपको वहाँ से जाके रिजोल्यूशन में, और रिजोल्यूशन से जाके जो है चेंज कर देना है आपको, जो भी आपको सूटेबल लगे वो चेंज कर देना। वैसे मैं 1360 और 768 ले कर चलता हूँ, वो आपके हिसाब में आप कैसा करना चाहते हैं। यहाँ पे कोई एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया नहीं है तो इसे कट कर देते हैं, ये हमारा रिजोल्यूशन सेलेक्ट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि सारी चीज़ें यहाँ देखिए, सारी चीज़ें दिख रही है हमें, सब कुछ कर सकते हैं। अब रीस्टार्ट करते हैं एक बार इसे, रीस्टार्ट करने के बाद सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद इसकी ISO फाइल हट जाती है, ध्यान रखना, तो ISO फाइल दोबारा सेलेक्ट करनी पड़ेगी आपको अगर इंस्टॉल करना है तो। यहाँ से सेलेक्ट कर लिया हमने, शो कर गया, ओके करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करने के बाद देखते हैं क्या क्या चीज़ें आ रही हैं इंस्टॉल करने पे। स्टार्ट इंस्टॉलर दिख रहा होगा आपको, उसे सेलेक्ट करना है आपको, ये जो फोर्थ नंबर पे दिख रहा है इस पे जाके एंटर मारना है। एंटर मारते ही आपका इंस्टॉलेशन का स्क्रीन दिख गया आपको यहाँ पे, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, ध्यान रखना है इंग्लिश लैंग्वेज, और बाकी आप अगर अदर लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, इंडिया से मैं तो इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप जो भी लैंग्वेज जो भी कंट्री सेलेक्ट करना चाहते हो कर सकते हो। कंटिन्यू करते हैं, यहाँ से इंस्टॉलर कॉन्फ़िगरेशन हार्डवेयर वगैरह सब चीज़ें सेलेक्ट कर लें, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, यहाँ से छोड़ देते हैं, बाद में सेलेक्ट कर सकते हैं इसे, ये सारी चीज़ें। अब न्यू यूज़र, आप अपना नाम रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे, जो रखना चाहते हैं। मैं चैनल का नाम रख देता हूँ आपको, हाँ चैनल के नाम से याद आया, नीचे जाके सब्सक्राइब का बटन दबा देना जब तक आप फ्री बैठे हो,
ठीक है, यहाँ से करते हैं यूज़र नेम और यहाँ से पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना, आसान सा पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना जो आपको इजीली याद रहे। याद नहीं रहेगा दोबारा से आपको इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। तो यहाँ से करते हैं कंटिन्यू, यहाँ से सारी चीज़ें हमारी सेलेक्ट हुई है, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं फिर से और यहाँ से ऑल ओवर हार्ड ड्राइव सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑल फाइल्स इन वन पार्टीशन कर लेते हैं क्योंकि वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब ये देखिए फिनिश पार्टीशन और अंडू करने का, तो फिनिश पार्टीशन एंड राइट चेंज टू डिस्क करते हैं, यहाँ से नो सॉरी यस सेलेक्ट करना है, यस सेलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू कर देना है यहाँ से। ये देखिए इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है हमारी, कॉपी कर रहा है फाइल वगैरह, थोड़ा सा टाइम लेगा ये, मैंने थोड़ा सा वीडियो स्पीड कर दिया था यहाँ पे, ठीक है उसे देख लेना। कंटिन्यू करते हैं यहाँ से, इंटर एडवाइस मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है, वर्चुअल बॉक्स में कर रहे हैं हम, ठीक है यहाँ से कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद ये इंस्टॉलेशन फिनिश कर रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पे, और यहाँ से रिबूट मांग रहा है। अब इसको क्या करना है, आपको रिबूट कर देना है ऑटोमेटिक, मैंने जैसे कि कहा था रिबूट करने पर ISO फाइल हट जाती है ऑटोमेटिक, तो यहाँ से आपको बार बार रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है ISO फाइल। फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है और एंटर मार देना है। अब एंटर मारने के बाद आपको ये दिख गया होगा कि हमारा बूटेबल हट गया है, सीधा सीधा हमारे को पासवर्ड डालने का आया है, तो मतलब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है हमारी, कोई भी इशू नहीं आया है अभी तक इंस्टॉलेशन में। अगर आपको कोई भी इशूज़ आते हैं, कुछ भी दिक्कतें आती हैं तो मेरे को ज़रूर बताना। हमारी इंस्टॉलेशन जैसा कि देख रहे हैं आप कंप्लीट हो चुकी है, सारे फंक्शन रन कर रहे हैं, कोई इशू नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले मैं जैसा कि कहता हूँ आपको, ये देखिए हमारे को वेलकम किया गया है, हेलो, और यहाँ से क्यू दबाना है, क्यू दबाते ही ये ऑटोमेटिक आउट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है आपको, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, सबसे पहले डिस्प्ले सेटिंग करनी होती है, रिजोल्यूशन वगैरह सेट कर लो एक बार। ये देखिए यहाँ से जाना है, पहले भी बताया था मैंने, जैसा कि मैं चला यूज़ कर रहा था तो मैंने बताया था आपको, वहाँ से जाके सेलेक्ट कर लेना, वर्चुअल बॉक्स पे जाना है, रिजोल्यूशन पे जाना है, रिजोल्यूशन पे जाने के बाद जो भी आपको सूटेबल लगे वो सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे टिक मार्क कर देना है। ये देखिए हमारा जो है रिजोल्यूशन सूट कर गया है, बढ़िया चल रहा है, रन कर रहा है, कोई इशू नहीं आ रहा है अभी हमारे को। और एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे शॉर्टकट कीज़ आपको सामने दिख रहे होंगे सारे के सारे, शॉर्टकट कीज यूज़ कर लेने हैं आपको, कोई भी इशू नहीं आने चाहिए उसमें। इशूज़ आ रहे हैं तो बता देना मेरे को कमेंट बॉक्स में, और कभी भी कोई भी इशूज़ आता है, कुछ भी दिक्कत होती है तो मेरे को जो है आप अपने पीसी कॉन्फ़िगरेशन के साथ ज़रूर कमेंट किया करो, क्योंकि सबकी पीसी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से सेटिंग्स होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा इंस्टॉलेशन कम्प्लीट हो चुका है। उसके बाद सबसे पहले आपको क्या काम करना है, एक सबसे बड़ा काम कि मेरे चैनल को जाके नीचे सब्सक्राइब कर लेना है। कोई भी इशूज़ है, कुछ भी अगर डिस्कस करना है तो मेरे जो इंस्टाग्राम चैनल है उस पर चले जाना है, वहाँ से जाके जो है डिस्कस कर लेना है। और यहाँ से ज्वाइन का बटन भी आ रहा है तो ज्वाइन का बटन भी चूज़ कर सकते हो, इन द सेंस कि मतलब आपको कुछ अमाउंट स्मॉल अमाउंट पे करना पड़ेगा जिससे आपको शॉर्टली अपडेट मिलते रहेंगे। बाकी मेरे अगर इंस्टाग्राम पर हो तो वहाँ से भी अपडेट मिलते रहते हैं, कोई इशू नहीं है। और मेरे फेसबुक अकाउंट पर भी है तो वहाँ से जाके भी सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी मेरे ब्लॉग को तो जानते ही हो गए आप लोग जो यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा कंप्लीट वीडियो है, कोई भी इशू नहीं आया अभी तक, VPN वगैरह यूज़ करने का चक्कर है इसमें, सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो आप जो पहले लिनक्स यूज़र होंगे, Debian वगैरह यूज़ किया होगा, उनको आइडिया होगा कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो उनको बताने की खास ज़रूरत नहीं है। बाकी स्मूथ रन है, बिल्कुल लो एंड PC में आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं आएगा आपको। ठीक है, अगर कोई इशू आता है तो मैं बैठा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पूरा वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।